फ्रेंड्स आज मैं आपके लेकर आया हूँ बहुत दिलचस्प टॉपिक जिसे आपको जानना ही चाहिए। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सून टू बी का इस्तेमाल क्या है, यानी किस सिचुएशन में आप कहेंगे सून टू बी। सून टू बी का मतलब होता है निकट भविष्य में होने वाला, यानी नियर फ्यूचर में होने वाला। अगर आपको कहना होने वाले ससुर तो आप कहेंगे सून टू बी फादर इन लॉ, होने वाली सास सून टू बी मदर इन लॉ। अगर आपको कहना होने वाली बीवी तो आप कहेंगे सून टू बी वाइफ, होने वाली मंगेतर सून टू बी फियांसी। आइए इन सब बातों को थोड़ा और डिटेल से समझें। अगर आपको कहना हो कि मेरे होने वाले ससुर एक डॉक्टर हैं, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई सून टू बी फादर इन लॉ इज अ डॉक्टर। मेरी होने वाली सास एक नर्स है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई सून टू बी मदर इन लॉ इज अ नर्स। मेरी होने वाली बीबी एक चुड़ैल है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई सून टू बी वाइफ इज अ विच, यानी मेरी होने वाली बीबी एक चुड़ैल है। अगर आपको कहना हो कि वह मेरी होने वाली मंगेतर है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज सून टू बी माई फियांसी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको सून टू बी का मतलब समझ में आया, कि सून टू बी का मतलब निकट भविष्य में होने वाला या जल्द ही होने वाला। फ्रेंड्स अगर वाकई आपने इस टॉपिक को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूं कि अब आप प्ले स्टोर से मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आप सीखेंगे एक कंप्लीट लर्निंग। और मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।